अवैध पिस्टल लहराकर आमजन में भय पैदा करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा के निर्देशन में एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक एसएन प्रसाद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सामान निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम ने अवैध पिस्टल लहराकर आम जन में भय पैदा करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 14 नवंबर के दौरान कस्बा भ्रमण मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेहरू नगर ट्रांसफार्मर तिराहा के पास हाथ में पिस्टल लेकर लहरा कर आम जनों को डरा धमका रहा है। इस सूचना पर हमारा स्टाफ के मौके पर पहुंचकर देखा गया कि जो एक व्यक्ति ट्रांसफार्मर तिराहा नेहरू नगर में हाथ में पिस्टल लेकर आमजनों को डरा धमका रहा था, जो रेड कार्यवाही कर पकड़ा गया, जिनमें नाम पता पूछने पर अपना नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा, पिता श्री भगवान मिश्रा, उम्र 25 वर्ष, निवासी कुइयां चचाई, थाना सिमरिया, जिला रीवा का होना बताया, जिससे पिस्टल रखने हेतु वैध कागजात की मांग की गई। जो कोई वैध कागजात नहीं होना पाया तो जिसके कब्जे से एक अदद 32 बोर पिस्टल कीमती 10,000 रुपए की जब्त की गई एवं गिरफ्तार कर बंद हवालात किया गया। जो आरोपी लक्ष्मीकांत मिश्रा के विरुद्ध थाना समान में क्रमशः अपराध क्रमांक संख्या 407/20 धारा 25 बी आर्म्स एक्ट कायम किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना सिमरिया में पूर्व से 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सर, एक अवैध हथियार लेके युवक पकड़ा गया, कहां से क्या है? एक लक्ष्मीकांत मिश्रा चचाई चौकी है कुइयां गांव का, थाना सिमरिया अंतर्गत। वो नेहरू नगर में बता रहा है, किराए से रहता है और मुखबिर जानकारी लगी थी, उसके पास एक अवैध रूप से पिस्टल है जो आज पकड़ा गया है और जिस पर कार्रवाई हुई है। ये बता रहा है ज़मीन का काम करता है और घर जा रहा था त्यौहार के समय। हाँ, जानकारी लगी है, सिमरिया थाने में भी इसके 2 अपराध हैं। हाँ, और भी पता करवाएंगे, कार्रवाई। लक्ष्मीकांत मिश्रा।